नमस्कार, स्वागत है आपका लोक आवाज के सुपर फास्ट खबरों में और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। आइए डालते हैं एक नजर देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक शुरू, मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। अशोक चौधरी ने कहा, मणिपुर में हमारे विधायक टूटे हैं लेकिन वोट बैंक नहीं। भोजपुर में ट्रेन से गिरकर छात्र की मौत, ट्यूशन पढ़ने गया था, वापस लौटने के दौरान हुआ हादसा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम पर हो रहा था फ्रॉड, आरजेडी ने लोगों को आगाह करते हुए 3 मोबाइल नंबर जारी किया और कहा कि झांसे में ना आए। बिहार से बाहर ब्याही बेटियों को भी अब मिलेगा आरक्षण, पति नहीं पिता के पता पर बनेगा प्रमाण पत्र और आधार, 29% बेटियों को होगा फायदा। बेगूसराय में सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या, बताया जा रहा है कि अपराधियों ने सरपंच के घर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जिससे एक बेटे की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। पटना में झमाझम बारिश, जिला में मौसम विभाग ने किया अलर्ट, 24 घंटों में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, वहीं कई नदियां उफान पर। खगड़िया में टूटा रिंग बांध, 100 से ज्यादा घरों में घुसा पानी। शेखपुरा में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, कई जवान घायल, 2 की हालत नाजुक। मुजफ्फरपुर में केले से लदा ट्रक पलटा, चालक और खलासी केबिन में फंस गए। पटना में दोस्तों ने चाकू से गोद कर दोस्त को मार डाला, कोचिंग से घर आने के दौरान मारा चाकू, प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं ग्रामीण। भ्रष्ट इंजीनियर संजय कुमार के लॉकर से 78 लाख जेवरात हुए बरामद, 5 करोड़ मिले थे कैश। तिरंगा लिए छात्र पर डंडा बरसाने वाले एडीएम को पाया गया दोषी, किया गया सो कॉज। पटना विमेंस कॉलेज में छात्रा से रैंगिंग, 13 सीनियरों पर लगा आरोप, 5 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झारखंड में फेल हुआ ऑपरेशन लोटस, सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के दांव पर उसी के अंदाज में दिया जवाब। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश में मॉनसून के सक्रिय रहने से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है और मध्य भारत में बारिश होने की काफी अधिक संभावना है। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक मामले में गुड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे समेत मनोज तिवारी और 9 लोगों के खिलाफ कुंडा पुलिस ने थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, की है। एयरपोर्ट के डीएसपी सुमन आनंद की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। होशियारपुर कोर्ट में पेश हुए सुखबीर बादल, 2 बड़े संविधान केस में हुई पेशी, अकाली दल की मान्यता खारिज करने की याचिका। श्रीलंका लौटे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, भारी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से निकाला गया, बता दें कि जन आंदोलन के बाद छोड़ा था देश। चर्चित सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले का खुला राज, आरोपी सुधीर सांगवान ने साजिश की बात कबूली, बताया जा रहा है कि आरोपी सुधीर सांगवान ने गोवा पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर 4थी बार हुई नोएडा से पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने 6 घंटे कोर्ट में 50 सवाल पूछे हैं। हैदराबाद में ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन करने पहुंची आलिया भट्ट, ड्रेस पर लिखवाया बेबी ऑन बोर्ड। एशिया कप में एक बार फिर होगा भारत पाकिस्तान का जंग, रविवार को खेला जाएगा महामुकाबला। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।